हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वो बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और आज 4-5 डेज बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा था। इस वजह से मेरी जो वीडियोस थी वो अपलोड ही नहीं हो रही थी, तो मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि अपलोड ही नहीं होना था तो बनाती क्या उसको, इसीलिए मैंने बनाया नहीं। और अभी मेरे जितने भी मॉर्निंग वर्क थे सारे कंप्लीट हो गए हैं और आफ्टरनून का टाइम हो गया है और काम करते करते बहुत लेट हो जाता है। और जीवांशु भी मेरे पास में ही है, जीवांशु का मोबाइल देखिए, और जीवांशु इस मोबाइल से डर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे स्माइल किया? आज बहुत दिनों बाद जीवांशु आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और मेरे मोस्टली फ्रेंड्स मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि जीवांशु कि दी आप अपना ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। जीवांशु देखिए जीवांशु को मिस कर रहे थे ऐसे कि जीवांशु ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करे। और जीवांशु का मोबाइल देखे, जीवांशु इससे बहुत ज्यादा डर रहा है। कल से जीवांशु उसको टच भी नहीं कर रहा था, बट अभी थोड़ा थोड़ा टच करने लग गया उसको। उसको वो डर लग रहा है इस मोबाइल से। ये जीवांशु का ये थर्ड मोबाइल जीवांशु का। जीवांशु क्या है, इसमें रिंग टोन भी है और पोयम भी है। हेलो जीवांशु, आज बहुत अच्छी सी धूप आई है तो मैंने जितने भी कपड़े थे सारे वॉश करके बाहर डाल दिए हैं। और आजकल 2-3 दिन से बहुत अच्छी सी धूप आ रही है, ठंडा बिल्कुल कम हो गया है, अब ठंडा इतना नहीं रह गया। और अच्छी सी धूप आ रही है तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और इस लाइट की वजह से ना थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, अभी एकदम क्लियर आ रहा है वीडियो, और इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और जीवांशु का मोबाइल देखिए नीचे गिरा दिया जीवांशु ने। जीवांशु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोबाइल, हाँ नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बार बाहर का वेदर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी धूप आई है। और मे बी अब तो लेट हो गया है, क्या पता अब कम भी हो गई हो, तो मैं एक बार आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाती हूँ। और जीवांशु को लग गई है मे भी भूख। जीवांशु अब बॉकर में नहीं बैठ रहा है, बोले मम्मा दूध दे दो। तो जीवांशु को जल्दी से दूध बना देती हूँ। जीवांशु आगे किचन में, और जीवांशु को लाइट से तो बहुत ज्यादा प्यार है। क्या देख रही हूँ, कैसे क्या देख रही हूँ?
अभी टाइम होने वाला है 7 बजे नहीं है अभी, बजने वाले हैं, और मुझे अभी डिनर की प्रिपरेशन करनी है। पूजा का टाइम हो गया था तो मैंने पूजा कंप्लीट कर ली है, और जीवांशु को टीका भी लगाया है। जीवांशु देखे कितना ज्यादा नॉटी हो गए। क्या कर रहे हो बेटा जीवांशु? इधर देखो, एक बार देखो, ये देखो। जीवांशु को बस सतानी करनी है। तो सबसे पहले अभी मैंने बाहर कपड़े रखे जीवांशु को, जीवांशु के वो लेकर आने, वो रखती हूँ अंदर, क्योंकि नाइट में मैं बाहर नहीं रखती हूँ जीवांशु के कपड़े को। तो उसके बाद थोड़ा डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। और नाइट भी हो गई है और बाहर बोल रहे हैं मोर। और कपड़े नहीं लेके जाऊंगी, बस जीवांशु के कपड़े लेके आई हूँ। तो मैंने अंदर रूम में लगा दिए हैं, और जीवांशु के लिए मैंने अभी टीवी ऑन नहीं किया है। जब तक टीवी ऑन नहीं होगा जीवांशु ऐसे ही करता रहेगा। सबसे पहले ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद तो डिनर में बना रही हूँ मैं स्प्रिंग अनियन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इनको रखे हुए, तो ख़राब भी हो रहे हैं। सबसे पहले इनको मैं साफ़ करूँगी और फिर इसकी सब्जी बनाऊँगी। और जीवांशु के लिए चला दिया पोयम, तो आजकल पोयम चला देती तो जीवांशु मस्त रहता है देखने। जीवांशु